राजीव बताइए, एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे, स्पीकर ने कह दिया। बिल्कुल, देखिए चूंकि अब असली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली फैक्शन को डिक्लेयर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी यही ऑर्डर दिया था और आज स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी कह दिया और उद्धव ठाकरे के जो चीफ व्हिप थे उनको असंवैधानिक करार दिया और उनके दावे को भी असंवैधानिक करार दिया कि वो शिवसेना है। ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर पार्टी के मुखिया हैं तो निश्चित तौर पर उन्हीं की शिवसेना है और वो अपनी पार्टी के मुखिया के तौर पर बतौर मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बने रहेंगे। ये बहुत बड़ी जीत एकनाथ शिंदे के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और साथ साथ में बहुत बड़ा झटका ठाकरे परिवार के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए। खास तौर पर उनकी सबसे बड़ी गलती, चूंकि उस वक्त जिस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। आज निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे इस बात को जरूर याद रखेंगे कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो शायद ये दिन उनके सामने आज नहीं आया होता। ठीक है, बहुत बड़ी खबर। तो एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे, एकनाथ शिंदे से उद्धव ठाकरे हारे, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। और अब शिंदे सरकार पर जो तलवार लटक रही थी, जो खतरा था, वो खत्म हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के बाद अब गेंद पाले में थी स्पीकर के और स्पीकर ने कह दिया कि एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे। लेकिन जस्टिस पांडे, मैं आपसे दूसरा सवाल लेना चाहता हूं। जस्टिस पांडे, जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ तो डिफेक्शन और इनर स्प्लिट, ये दो शब्द और इन दोनों टेक्निकल इश्यूज के बीच ये पूरा मामला जाता दिखा। आज जो स्पीकर राहुल नार्वेकर ने फैसला दिया है, आप उन्होंने एकनाथ शिंदे को अलग होने को डिफेक्शन देखा या इनर स्प्लिट देखा, क्या देखा, आपको क्या समझ में आया? मैं तो ये समझता हूँ उन्होंने दोनों ही नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ये देखा कि शिंदे की जो पार्टी है वो एक्चुअल पार्टी शिवसेना, वही पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वही पार्टी, जो इलेक्शन कमीशन ने भी कहा असली पार्टी यही है। जब असली पार्टी शिंदे की है तो इसके शिंदे का जो असली पार्टी का जो स्वरूप बन गया तो फिर लोगों को माना ही नहीं जाएगा डिफेक्ट किया। तो जब डिफेक्ट ही नहीं किया, इसीलिए उन्होंने सारी कार्रवाई जो इनके द्वारा की गई उद्योग के द्वारा कि नेता के पद से उनको हटाना, तो सर डिफेक्ट नहीं किया तो इनर स्प्लिट हुआ क्योंकि पार्टी तो टूटी। नहीं, पार्टी तो उन्होंने मान दिया ना, वही पार्टी असली पार्टी है। जब असली पार्टी है तो उद्धव ठाकरे के जो सारे फैसले थे। लेकिन सर गुट तो दो है, एक उद्धव गुट है, एक शिंदे गुट है। हाँ, एक उद्धव गुट है, एक शिंदे गुट है। उद्धव गुट ने कहा कि मैं पार्टी हूँ और मैंने हमारे पार्टी छोड़ के ये लोग चले गए शिंदे गुट के। इन्होंने कह दिया कि नहीं पार्टी वो गए ही नहीं, बल्कि वही असली पार्टी है और जो असली पार्टी है तो वो असली पार्टी बनी रहेगी और इसलिए किसी का कोई ना डिफेक्शन हुआ ना कोई डिस्क्वालीफाई हुआ कोई होगा। अभी फैसला वो भी आ जाएगा, कोई डिस्क्वालीफाई भी नहीं हुआ। देखिए, ठीक है प्रेम शुक्ला, आज ही खबर आई कि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ससम्मान कि हम नहीं जाएंगे 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। आज ही यहां पर देखिए फैसला आ गया कि एकनाथ शिंदे बने रहेंगे, ना सरकार बदलेगी ना पार्टी किसी और के पक्ष में जाएगी। तो ये कहां जा रहा है पूरा मामला, 2024 में ये जुड़ेगा मामला? मैं प्रश्न सुन नहीं पा रहा हूं आपका, स्पष्ट नहीं आवाज। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये अब ना तो सरकार बदलेगी ना सीएम बदलेगा, तो ये 2024 आपकी आवाज कट कट कर आ रही है, आवाज कट कट कर आ रही है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ना सरकार बदली ना सीएम बदला और संजय राउत ने आज सुबह कह दिया था कि सब फिक्स है, तो ये इसका क्या मैसेज? गौरव जी आपकी आवाज में सुन नहीं पा रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं आप सही करवाता हूं। लेकिन यहां पर क्या, यहां पर संजय आवाते फिक्स वाला जो पूरा मामला संजय राउत ने उठा दिया था, अब तो वो यही लाइन लेके आगे चलेंगे, उन्होंने तो सुबह कह दिया था सब फिक्स है। नहीं, सही बात है, मुझे लगता है कि ये फिक्स है वगैरह मैं तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये ऐसा कहना संजय राउत और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा कि जिस ढंग से दो बार एकनाथ शिंदे के घर जाकर राहुल नार्वेकर मिले और उसके बाद ये उन्होंने कहा था कि ये सब स्पीक है, ये सब फिक्स है, ये मिली भगत है, ये जो शुरू था, तो मुझे लगता है कि ये लाइन आगे लेना इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ये तो पहली बात है। दूसरी बात जो आप कह रहे थे ना, बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना उसकी परिप्रेक्ष्य और उसके डेफिनेशन ही आज बदल दी है। मतलब ये रिजल्ट हिस्टोरिकल है क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ की जो डेफिनेशन थी इस डेफिनेशन ही आज बदल गई है।
मतलब पहले कुछ 2/3 मेजोरिटी वगैरह ऐसा होता था, अब पूरी की पूरी पार्टी ही हमारी है। इसी लाइन पर आगे एनसीपी भी जाने वाली है, अजित पवार भी यही कहने वाले हैं कि ये पूरी पार्टी ही हमारी है। और जो जो नार्वेकर जी ने कहा है, उनका कहना यह है कि डिफेक्शन हुआ ही नहीं है, सिर्फ लीडरशिप चेंज है। मतलब आप कहते कि लीडर मैं हूं, तो आप लीडर नहीं है, एकनाथ शिंदे लीडर है आपके पार्टी के, पार्टी वही तो है। मैं प्रेम शुक्ला से पूछ लेता हूं, प्रेम शुक्ला, फिर संजय राव ने तो सुबह कह दिया सब फिक्स है, वो कह रहे कुछ नहीं बदलने वाला, सब फिक्स है, और देखिए ना सीएम बदले ना पार्टी बदली, कुछ तो नहीं बदला। ठीक है, मैं जस्टिस पांडे, क्या ये फैसला आगे अब दूसरी पार्टियों के लिए भी नजीर बनेगा, क्योंकि सामने अभी एक और विवाद महाराष्ट्र की एक पार्टी में चल रहा है, एनसीपी में। नहीं तो वहां तो बनेगा ही, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी के लिए भी बिल्कुल ही नजीर बनेगा, क्योंकि स्पीकर का फैसला है, तो वहां तो नजीर बनना ही है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ एक जैसी एक नया ढंग का उन्होंने पूरी दी है, या जैसे अपने व्याख्या किया है, और ये व्याख्या किया है कि पूरी पार्टी है, पार्टी में कोई डिफेक्शन नहीं, वाली लीडरशिप सिर्फ बदला है, तो अब ये बात तो जाएगा ही हाई कोर्ट में जाएगा या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जहां भी जाए, तो उसके अनुसार जो फैसला आएगा उसके हिसाब से। देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, अभी विधायकों की अयोग्यता वाला जो मसला था उस पर भी क्लैरिटी आ गई, शिंदे गुट के विधायक अयोग्य नहीं, स्पीकर ने कह दिया, जो 16 विधायक जिसमें खुद एकनाथ शिंदे भी शामिल थे 15 विधायकों के अलावा, वो अयोग्य नहीं है। 55 में से 37 विधायक शिंदे के साथ, ये कहा स्पीकर ने, 16 विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे सकते, तो ना पार्टी उद्धव ठाकरे की है और ना ही 16 विधायक अयोग्य हैं, ये साफ कह दिया स्पीकर ने। राजीव, तो विधायकों की अयोग्यता पर भी जो फैसला था वो आ गया। बिल्कुल, देखिए कुल 16 विधायकों को अपात्र करने को लेकर याचिका दी गई थी, हालांकि बाद में इसे एक एक करके चूंकि विधायक छोड़कर गए, इसलिए बाद में पूरा मामला 40 विधायकों तक पहुंचा था, लेकिन चूंकि पहला पेटिशन 16 विधायकों को लेकर था, और अब इसमें स्पष्ट तौर पर यह आदेश आ गया है राहुल नार्वेकर का कि 16 के 16 सभी विधायक जो है ये पात्र हैं, योग्य हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग सीएम एकनाथ शिंदे। ऐसे में बतौर मुख्यमंत्री उनकी कुर्सी बनी रहेगी, राज्य में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार भी बनी रहेगी, और यहां पर जो उनके चीफ व्हिप थे भरत गोगावले, वो चीफ व्हिप भी बने रहेंगे, वो संविधानिक तौर पर उनको जो है यहां पर मान्यता दी गई है। वहीं उद्धव ठाकरे की जो ये मांग थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको डिसएग्री कर दिया है, और साथ साथ में 16 विधायकों की पत्रता वाली बात भी उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब विषय यह है कि आने वाले समय में चूंकि कई पेटिशन, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा गौरव कि एक शिकायत नहीं थी, शिकायतों की लंबी फेरिस थी, और इसमें पहला मामला जो था वो 16 विधायकों का था, तो क्या कुछ इसी तरह से बाकी के जो विधायक बचते हैं 16 के बाद उसको भी इसी तरह से बाकी 24 विधायकों को कंसीडर किया जाएगा, या फिर कुछ नए सिरे से उद्धव ठाकरे जो इस पूरे मामले में कोई इंटरवेंशन लेकर आते हैं, या फिर इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? ठीक है, वहां भी हसरतें बहुत हैं।